दोस्त, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएलसी एडमा के लेटेस्ट अपडेट का। क्या पीएलसी एडमा की रिकवरी दोबारा आपको देखने को मिल सकती है? ये दोबारा क्या 1 लाख डॉलर को टच कर सकता है? इसके साथ ही हम बात करेंगे इसके डीलिस्टिंग होने वाली है एल बैंक एक्सचेंज से। तो इसके डीलिस्टिंग के बाद इसके प्राइस में आपको कैसा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्त, यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अभी अगर हम पीएलसी अल्ट्रा के ओवरव्यू की बात करें तो इसका प्राइस आपको $966 के रेंज में देखने को मिलता है। माइनर सी आपको यहाँ डंपिंग देखने को मिली है 24 आवर में। अगर इसका हम 24 आवर के फ्लक्चुएशन की बात करें तो इसका फ्लक्चुएशन आपको $810 से लेके $1020 के बीच में देखने को मिलता है। तो अगर आप मेरे कंटिन्यूसली व्यूअर हैं तो मैंने बहुत पहले आप लोगों को अलर्ट दिया था कि जो पीएलसी अल्ट्रा का प्राइस है वो धीरे धीरे अपने बॉटम जोन में जाएगा और इसका बॉटम क्या रहेगा, $100 के नीचे। तो अभी भी अगर आप चाहें तो अपने कॉइन को सेल कर सकते हैं, या फिर जब क्वार्टर फोर्थ में इनका पीएलसी अल्ट्रा प्रो आएगा तब आप अपने अल्टिमा कॉइन को पीएलसी अल्ट्रा प्रो में कन्वर्ट कर लें, और जैसे यहाँ पीएलसी अल्ट्रा प्रो का प्राइस थोड़ा राइज करेगा तब आप अपना एग्जिट ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका लॉस कम होगा। अब अगर इसके हम मार्केट कैप की बात करें तो ये आपको 610 मिलियन का देखने को मिलता है। 24 आवर में इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम आपको 4 मिलियन की देखने को मिलती है। सबसे देखिए मेजर अभी की डेट में यहाँ पे क्या है कि इसकी जो सप्लाई है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है। अभी अगर हम इसके सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो ये आपको 6,29,000 देखने को मिलता है, और मिंटिंग के साथ डेली बेसिस इनकी जो सप्लाई है वो बढ़ रही है। तो जब तक मार्केट में इसकी सप्लाई बढ़ती रहेगी तब तक आपको जो इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिलेगी। अब अगर इसके हम मैक्सिमम सप्लाई की बात करें तो ये आपको 11 मिलियन देखने को मिलेगा। मतलब मिंटिंग के थ्रू जिन लोगों ने भी इनका प्लान पैकेज बाय किया हुआ है उनको मिंटिंग के कॉइन मिलते रहेंगे, पर इसका जो प्राइस होगा वो एक बॉटम जोन में चले जाएगा। टोटल सप्लाई आपको 1 मिलियन यहाँ देखने को मिलेगी। अब अगर हम यहाँ बात करें इसकी कम्युनिटी की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके डीलिस्टिंग होने वाली है एल बैंक पे, तो जब आप जाएंगे इनकी कम्युनिटी में तो इनके ट्विटर हैंडल पे आपको अपडेट मिल जाएगा कि ये लोग लीव करने वाले हैं एल बैंक को। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कुछ टाइम पहले इसकी जो डीलिस्टिंग है वो बाईबॉक्स से हुई थी। बाईबॉक्स के बाद दूसरा एक्सचेंज आपको एल बैंक देखने को मिलता है जहां से इसकी डीलिस्टिंग होगी। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये नए नए एक्सचेंज पे अपनी लिस्टिंग करवा रहे हैं और पिछले से डीलिस्ट कर रहे हैं, जिससे क्या होगा नए नए इन्वेस्टर आएंगे और वो क्या है इस टाइप के जो मैनिपुलेटेड क्रिप्टोकरेंसी में फंस जाएंगे और अपना लॉस करवा लेंगे। तो इस टाइप के मैनिपुलेटेड क्रिप्टोकरेंसी से आपको दूर रहना चाहिए। अब अगर इसके हम 24 आवर के फ्लक्चुएशन की बात करें तो आप देख सकते हैं बहुत माइनर से जोन में इसके फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलती है, पर यहाँ पे देखिए एक डंपिंग लगी है, उसके बाद आपको धीरे धीरे रिकवरी देखने को मिलती है। पर अगर हम यहाँ ऑल ओवर देखें तो इसका जो प्राइस है वो बॉटम जोन में जा रहा है। अगर हम इसके एक्सचेंज की बात करें तो देखिए धीरे धीरे इसके जो नंबर ऑफ एक्सचेंज है वो 15 पे गए थे। अब यहाँ पे डीलिस्टिंग जब स्टार्ट होगी तो धीरे धीरे आपको हर एक एक्सचेंज से इसके डीलिस्टिंग देखने को मिलेगी। रीजन क्या है कि जो स्कैम एलेक्स ने करना था वो स्कैम ऑलमोस्ट यहाँ डन हो गया है। अब लोग यहाँ अवेयर हो गए हैं पीएलसी अल्ट्रा के स्कैम के साथ, एलेक्स के साथ। उनको अब पता लग गया है कि उनका जो पैसा है वो डूब चुका है। अब जितने भी यहाँ पे एजेंट है, दलाल है, वही इसकी प्रमोशन करेंगे। जो यहाँ पे जेन्युइन इन्वेस्टर थे वो अपना एग्जिट लेंगे। जो भोलो भाले लोग जिनको क्रिप्टोकरेंसी की नॉलेज नहीं थी, उन लोगों को अब कहीं ना कहीं क्लियर हो रहा है कि उनका जो पैसा है वो फंस गया है, वो एक जो जालसाजी में फंस चुके हैं यहाँ पे। बाकी देखिए, अगर आपने अभी तक पीएलसी अल्ट्रा की होल्डिंग करी है तो मैं आपको लेके चलता हूँ कॉइंसबिट एक्सचेंज पे और देखते हैं हमें कैसा जो मूवमेंट है अभी पीएलसी अल्ट्रा में देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही हम बात करेंगे कि क्यों पीएलसी अल्ट्रा एक्स का प्राइस जो है वो राइज कर रहा है। तो दोस्त, आप देख सकते हैं अब हम आ गए हैं कॉइंसबिट एक्सचेंज पे। यहाँ पे हम पीएलसी अल्ट्रा का पेयर देख रहे हैं यूएसडीटी के साथ। अगर इसके हम प्राइस की बात करें तो आपको $1000 के रेंज में देखने को मिलता है। तो कॉइंसबिट पे हमेशा जो पीएलसी अल्ट्रा का प्राइस होता है वो राइज ही रहता है। और आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ 4 आवर की चार्ट भी देखें तो आपको यहाँ पे जो सेलिंग का प्रेशर देखने को मिलेगा, यहाँ पे मेजर डंपिंग आई है। पर इसके साथ ही अगर हम इसके कॉम्पिटिटर की बात करें जो पीएलसी अल्ट्रा एक्स है, तो आप देख सकते हैं इसमें आपको कंटिन्यूसली जो ग्रोथ देखने को मिलता है। अब इसका रीजन क्या है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे बायर बिल्कुल भी नहीं है। मतलब जो अगर आप यहाँ पे चाहें अपने कॉइन को सेल करना तो आप सेल नहीं कर सकते। यहाँ पे सेल ऑर्डर क्लोज कर दिया गया है और सेल ऑर्डर क्लोज करने के बाद ही इसका जो प्राइस है वो कंटिन्यूसली राइज कर रहा है। तो ये एक साइन होता है मैनिपुलेटेड क्रिप्टोकरेंसी का। और जो पीएलसी अल्ट्रा एक्स है इसकी लिस्टिंग आपको और कहीं देखने को नहीं मिलती, इसकी जो लिस्टिंग है आपको कॉइंसबिट पे ही देखने को मिलती है अभी के डेट में। तो जो भी इसकी बाइंग सेलिंग होगी कॉइंसबिट पे ही होगी। तो
तो अगर यहाँ पे बाइंग का या सेलिंग का जो टारगेट है वो स्टॉप कर देंगे तो इसमें फेक पंप करवाया जा सकता है। वही चीज आपको अभी बीएलसी अल्टमा एक्स में देखने को मिलता है, और जब बीएलसी अल्टमा प्रो आएगा उसमें भी आपको सेम चीज ही देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे मेरे भाई हैं जो अपने पीएलसी अल्टमा एक्स कॉइन को सेल करना चाहते हैं, या अपने जो पीएलसी अल्टमा कॉइन्स है पीएलसी अल्टमा एक्स को बाय करना चाहते हैं, उनके यहाँ पे जो अपनी ट्रेड है वो नहीं ले पा रहे हैं। रीजन क्या है कि पीएलसी अल्टमा एक्स की बाइंग और सेलिंग दोनों ऑर्डर क्लोज करे गए हैं, तभी आपको यहाँ फेक पंप देखने को मिलता है। अगर ये ट्रेड एक्टिव रहेगी तो एलेक्स का लॉस होगा, इसलिए उसने क्या किया है कि सबसे पहले ट्रेडिंग क्लोज करी है उसके बाद फेक पंप करवा रहा है। और अगर आप यहाँ अल्टीमा कॉइन में हैं तो अल्टीमा कॉइन का प्राइस आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूअसली डंप ही हो रहा है। ये दोनों कॉइन एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं, मतलब जब पीएलसी अल्टीमा का प्राइस ग्रो करेगा तो आपको डंपिंग देखने को मिलेगी पीएलसी अल्टीमा एक्स में, और जब यहाँ पीएलसी अल्टीमा एक्स का प्राइस डंप होगा तब आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा अल्टीमा कॉइन में। तो यहाँ पे क्या है, देखिए जब यहाँ बाइंग सेलिंग क्लोज कर देंगे पीएलसी अल्टीमा एक्स में तो अच्छा खासा आपको जो यहाँ राइज देखने को मिलेगा, और इस राइज के वजह से आपको जो डंपिंग है यहाँ अल्टीमा कॉइन में देखने को मिलेगी। तो यही कुछ अभी आपको यहाँ देखने को मिलता है। अगर आप चाहते हैं अपना एग्जिट लेना तो आप वेट करें, जब इनका जो क्वार्टर फोर्थ में पीएलसी अल्टीमा प्रो आएगा तब आप यहाँ जो अल्टीमा कॉइन को एग्जिट कर सकते हैं। अगर और अगर आपने यहाँ पे फॉर्म खरीदी हुई है इनका, तो जितनी भी आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करी है, आपने चाहे 25,000 लगाया है या 50,000 लगाया है या 1,00,000 लगाया है, आपका जो पैसा है वो यहाँ फंस चुका है। आप यहाँ पे अपना जो एग्जिट लेने की कोशिश करें, या फिर आप थोड़ा वेट करेंगे तो आपको जो ऑप्शन है पीएलसी अल्टीमा प्रो का मिल जाएगा। आप यहाँ बिगनिंग स्टेज में जो पीएलसी अल्टीमा प्रो को बाय करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, पर सेम चीज देखिए यही होगा, जब पीएलसी अल्टीमा प्रो का भी प्राइस राइज करेगा हाई रेंज में जाएगा तब आपके पास ऑप्शन ही नहीं होगा अपने कॉइन को सेल करने का। जब आपके पास ऑप्शन आएगा सेल करने का तब उसका जो प्राइस होगा एकदम बॉटम जोन में आ जाएगा। तो अभी के लिए देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो यही बेटर है कि आप जितना जल्दी हो सके अपने अल्टीमा कॉइन से एग्जिट ले लें, फिर भी आप अपने यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो आपको बेटर लगे वो ऑप्शन आप अप्लाई कर सकते हैं अपने लिए। अगर आपने किसी एजेंट और दलाल की बात सुन के अपनी बाइंग कर ली है तो आप ऑलरेडी यहाँ पे स्टक हो गए हैं। तो होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आज नई वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।